are watching Kali News. MD ड्रग्स बरामद की फैक्ट्री से साकिनाका पुलिस ने 300 करोड़ की ड्रग्स स्मगलिंग का किया भंडाफोड़, 12 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने फ्राइडे 6 अक्टूबर को बताया कि साकिनाका पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर अशोक जाधव की कंप्लेन पर अगस्त मंथ में एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ करने पर पुलिस ने एक एक कर 12 लोगों को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही साकिनाका पुलिस ने नासिक में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया है। यहां से 151 केजी 305 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत 300 करोड़ 25 लाख 10 हजार रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों में अनवर अफसर सैयद उम्र 42 साल, जावेद अयूब खान उम्र 27 साल, आरिफ नसीम शेख उम्र 30 साल, इकबाल मोहम्मद अली उम्र 30 साल, सुरेंद्र राजन शक्तिवल उम्र 44 साल, हसन सुलेमान शेख उम्र 43 साल, आरिफ निसार शेख उम्र 42 साल, अयूब अब्दुल सत्तार सैयद उम्र 32 साल, नासिर उमर शेख एल्स चाचा उम्र 58 साल, अजहर असमत अंसारी उम्र 32 साल, रिहान आलम सुल्तान अहमद अंसारी उम्र 26 साल, जिशान इकबाल शेख उम्र 34 साल। साकिनाका पुलिस स्टेशन में इस मामले को अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन सी 22 सबसेक्शन सी 29 27 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत रजिस्टर किया है। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस एक्ट भी रजिस्टर किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर, स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिवेन भारती, जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर वेस्ट रीजनल परमजीत सिंह धैया, डीसीपी यूनिट 10 दत्तन लावड़े, एसीपी साकिनाका भारत कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में साकिनाका पुलिस स्टेशन सीनियर पीआई गोपाल जी चिमाते, पीआई योगेश सिंधे, एपीआई मित्र आनंद खंडारे, पीएसआई पंकज परदेसी, पीएच चंद्रकांत पवार, अमोल भरोसे, दत्तात्रेय भाडे, सूर्यकांत भोसले, पीएस आदित्य जाधव, सुनील कोंटे, अनिल कराडे, शीतल माली, रमेश आहरे, रिकी सुंदरमल, विशाल पेशल और टीम ने मिलकर इस रेड को अंजाम दिया है। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ के साथ बने रहे।